एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। ठीक है, आपका फ्यूचर इनके साथ होगा कि नहीं होगा आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक, आज मैं इस टैरो कार्ड का यूज करने वाली हूँ जो कि काफी क्लियर आंसर देते हैं, तो आप लोग अपना फोकस बना के रखिएगा इस टैरो कार्ड के ऊपर। ठीक है, इसमें हम आपकी भी एनर्जी का चेक करेंगे, जैसे कि हम थ्री कार्ड्स रीडिंग करते हैं सेम वही रीडिंग करेंगे। थ्री कार्ड्स आपके लिए, थ्री कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए, थ्री कार्ड्स आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो थ्री कार्ड्स की एनर्जी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे, सबसे आखिरी में हम आपके पार्टनर का फ्यूचर देखेंगे आपके साथ। ठीक, यानी कि पहले आपकी एनर्जी नहीं, पहले आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी के बाद हम लोग देखेंगे आपकी एनर्जी। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स। अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग कैसे करते हैं, टैरो रीडिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, और टैरो रीडिंग हम एक परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर कैसे बन सकते हैं, अगर आपको बनना है, अगर आपको सीखना है टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, वहां पे आप डिटेल्स ले लीजिए, और कोर्स कब से स्टार्ट हो रही है, कोर्स की फी क्या है, क्या क्या उसमें सिखाया जाएगा, आपको हर एक चीज बताया जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकला है, पहला कार्ड मेरी सैली का कार्ड है, लॉस, मशरूम्स, ओके, क्रिएचर्स पाव, बॉटम ऑफ द डेक है यहां पे, बिलोंगिंग, आपके पार्टनर काफी डीप लेवल का सोचते हैं, काफी डीप लेवल का, काफी डीप लेवल की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, काफी ज्यादा डीप लेवल। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आप में डूब कर, या फिर कहें तो आपके लिए सोचकर, फील करके, है ना, एक जो है ना, अपने आप को काफी बेहतर फील कर रहे हैं ये पर्सन, काफी ज्यादा बेहतर। मैं देख पा रही हूं आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए बहुत लॉस भी फील कर रहे हैं ये पर्सन, सोच रहे हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, रिलेशनशिप को लेकर के काफी टेंशन में आपके पार्टनर आ गए हैं। बहुत ज्यादा अंदर से जो है आपकी याद सता रही है आपके पार्टनर को, आपकी याद एक काले साए की तरह है ना, आपके पार्टनर एकदम से जैसे कि परेशान हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी याद कहीं कहीं ये पर्सन छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये याद जो है ना छुप नहीं रही है, ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर को। ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, परेशान हो गया हूं, कैसे करूं मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर जैसे कि तकलीफ को जी रहे हैं, तकलीफ के साथ ये पर्सन कैसे 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 अपने आप को मैनेज कर रहे हैं ये पर्सन ही जानते हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, अपने आप को लोगों के सामने ये नहीं दिखाया जा सकता है कि ये पर्सन कितने ज्यादा दुखी है, कितने ज्यादा अंदर से जो है परेशान है ये पर्सन। ऐसा फील होता है कि ये पर्सन कुछ दिखा के कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसे दिखाना है वो देखना नहीं चाहता है, या
वो समझना नहीं चाहता है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी लगती हैं जैसे कि इन्हें कोई नहीं समझ सकता, इनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इनकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं काफी टाइम से चल रही हैं, शायद वो चीजें जो है इनके इनके अंदर जो चीजें चलती है ना उसको कोई समझने वाला नहीं है। मुझे आप दोनों के बीच में काफी कल्चर डिफरेंसेस भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूं कि आप दोनों के दिल में एक ऐसा होता है ना, जैसे जैसे बातें तो होती हैं आप दोनों के बीच में कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है कहीं हद तक यहाँ पे सही नहीं हो पाता है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर हमेशा यही बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, है ना, वो चीजें दिखती हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन काफी मजबूर हैं, काफी दर्द में दिख रहे हैं, काफी जैसे कि होता है ना कि पेन है इनके अंदर, और मैं देख पा रही हूँ जैसे कि ये जो पर्सन है कुछ बच्चे की एनर्जी आ रही है, जैसे कि कोई बच्चा मुझे नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बच्चियों को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है, बच्चे से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाई दे रही है मुझे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन की मदर हो सकता है कि ना हो, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन की मदर ना हो, ऐसा भी दिख रहा है, जैसे कि इनको जो प्यार मिला है वो आपसे मिला है, आपने इनको जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार देती है ना, वैसे आपने इनको प्यार दिया है। ठीक, यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन की एनर्जी में मतलब आपका दर्द आपकी तकलीफ के साथ साथ अपनी मदर का दर्द अपनी मदर की तकलीफ भी नजर आ रही है। ये पर्सन काफी अपने दर्द को छुपा रहे हैं, ये पर्सन आपके सामने आने से भी काफी ज्यादा कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कई बार आपने पूछा भी होगा कि क्या हुआ है मुझे बताओ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। सो इस पर्सन ने कभी क्लियर कट में आंसर दिया नहीं होगा, ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा चाहा है खुद को बनाने का, रिलेशनशिप निभाने का, कुछ चीजें भूल जाने का, बट ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना बहुत अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मशरूम की एनर्जी है जो कि एक हिडन फीलिंग्स को मुझे बता रहा है, जैसे कि आपके पार्टनर यहां से जो है ना उठ करके खड़े नहीं होना चाहते, ऐसा लगता है जैसे कि इनका सच कोई जान जाएगा, इनके दिल की बातें कोई जान जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगी, है ना। तो ये पर्सन अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि सपोर्ट चाहते हैं, ये पर्सन आपका सपोर्ट चाहते हैं कि आप इनके दिल की बातें मत पूछो, बस इनका साथ दो, इनके साथ खड़े रहो। ठीक है, इनके साथ खड़े रहोगे उतना ही ये पर्सन पावरफुल फील करेंगे, ये पर्सन की एनर्जी क्लियरली दिखाई देती है। ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि जो पर्सन है ना आपके, ये पीस चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पीसफुल एनर्जी चाहते हैं, ये पर्सन ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बस अपने जिंदगी में मशगूल रहना चाहते हैं, अभी अपने आप को व्यस्त भी रख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पर्सन जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतनी ज्यादा मतलब आपकी कम यादें आएंगी, आपकी यादों से जो ये पर्सन परेशान है ना, तो ये अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं हाइड कर देना चाहते हैं, लोगों के सामने आना, लोगों को सपोर्ट, या फिर कहें तो लोगों के वो एक पूछने पे इनका दिल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, आपको लेकर के लोग पूछते हैं, इनके इनके दोस्त लोग पूछते हैं, है ना, तो वो नहीं करना चाहते। ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं आपके बारे में, लेकिन ये पर्सन खुल के बातें नहीं कर पाते हैं, ये भी दिख रहा मुझे। यस, ये जो पर्सन है कुछ भूल जाना चाहते हैं, भूलने की एनर्जी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, जैसे कि कुछ कड़वी यादें भी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन मूव ऑन करने की एनर्जी में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक, क्योंकि इनको लगता है कि शायद जो है यहां से मूव ऑन कर जाना बेहतर होगा, मूव ऑन करना ही ज्यादा अच्छा निर्णय होगा आपके पार्टनर को, ऐसा लगता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स गाइड करें। गाइड करें एंजल्स। यस, द फुल की एनर्जी, एकदम से भूलना चाहते हैं, और मैं देख पा रही हूं कि ये जो पर्सन है ना
अपनी धुन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एकदम सब कुछ भूलकर, सब कुछ एकदम जैसे कि होता ना कि बावला हो जाना, है ना, जैसे कि अपने आप की ही सुनना, अपने ही धुन में चलते रहना, है ना। तो वो पर्सन जो है ये करना चाहता है कि किसी की नहीं सुनना चाहते, अब बस ये पर्सन मशगूल है, ठीक है, मशगूल है कि अब बस कुछ भी हो जाए, अब चलना तो कैसे भी है, रहना तो कैसे भी है, अपनी जिंदगी को निकालना है, बस काटना है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, बस अकेले ही काटना है। सो वह वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, मशरूम के साथ जैसे कि मैंने कहा हिडन फीलिंग्स अगेन आया है, हिडन फीलिंग्स। सो यस, आपके पार्टनर काफी बड़े राज छुपा के रखते हैं अपने पास। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अपना डबल फेस दिखा रहे हैं। पर्सन डबल फेस यानी कि दिल में कुछ और है और शकल पे कुछ और है ना, फेस में कुछ और है। इनकी मासूमियत देखो या फिर कहें तो इनका जो एक रूड नेचर देखो आप, तो वो जब बाहर से है, ठीक है, नारियल जैसे होता है ना, बाहर से कठोर होता है, अंदर से बड़ा ही मतलब नर्म होता है, वैसे ही जो है एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। ये पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक, ये पर्सन थर्ड पार्टी से रिलेटेड बातें भी छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। यस, ये पर्सन अपने दोस्तों यारों से मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा जो जो कार्ड्स ने बताया है, ऊपर के कार्ड्स, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं ना काफी स्पेशल कार्ड्स हैं। जो भी मैं पूछती हूँ ना एकदम 100% राइट आंसर देते हैं ये कार्ड्स, ठीक है। तो इस कार्ड से जो है मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि यहाँ की एनर्जी एकदम क्लियर है कि यस, आपके पार्टनर मिलते हैं, जुलते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, और ये भी बातें करते हैं कि इनको जो है आपसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, ठीक। सो यस, ये जो पर्सन है आपके तरफ आना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, ठीक है। सो अब आपकी एनर्जी को चेक करेंगे, थ्री कार्ड्स आपके लिए भी। सो आपके लिए देखते हैं थ्री कार्ड्स मेरे कौन कौन से हैं। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स मुझे बताइए, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। ओके, द सोल, फैमिली, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड पिकॉक, ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है व्हाइट ड्रेस, ओके। सो आज किसी ने सबसे पहले तो व्हाइट ड्रेस पहनी है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनको पहले ही बता दूं, व्हाइट ड्रेस, ठीक, यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है। और किसी किसी का हो सकता है कि सेम जेंडर सेक्स है ना, और देख रहे हो ये रीडिंग, मतलब कि आप लोग अपने पार्टनर के लिए जिनके लिए भी देख रहे हो, आप दोनों सेम जेंडर सेक्स हो सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि फील करते हैं उनके लिए प्यार, है ना। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखो क्या है कि आप अपने कनेक्शन को समझ रहे हो, आपका कनेक्शन क्या है क्या नहीं है, या इस कनेक्शन का मतलब क्या है, ये कनेक्शन आपसे जुड़ा क्यों है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आपका मुझे ये फील हो रहा है जैसे कि सोसाइटी को लेकर के आपने अपने मन में एक बहुत ही बड़ा इशू बना के रखा है, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, वो चीजें जो है ना आपके मन में है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप सोसाइटी का डर अपने मन में रखे हुए हो, सोसाइटी का, और कहें तो अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं आप मार रहे हो। आपको हालांकि पता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, ये स्ट्रांग कनेक्शन आपको फील हो रहा है इस पर्सन के लिए, हमेशा फील होता है इस पर्सन के लिए, और हमेशा ही आपको लगा है कि ये जो पर्सन है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ये पर्सन का स्मार्ट सा चेहरा, या कहे तो इस पर्सन का जो शर्ट है, या कहें तो इस पर्सन का जो भी ड्रेस है ना, वो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे ड्रेसिंग सेंस कह सकते हैं कि यस, काफी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी स्पिरिचुअल फील करते हो इस पर्सन को देख करके, आपको आपका मन काफी शांत होता है इस पर्सन को देख करके। व्हाइट कलर की ड्रेस है, वाओ, बहुत ज्यादा प्यारी है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि
हो सकता है कि आप दोनों काफी अलग अलग जो है ना थिंकिंग रखते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी इसी पर्सन के साथ गुजारना चाहते हो। ऐसी फीलिंग्स है आपकी, ऐसी एनर्जी है कि आपको बस जो है ना इस पर्सन के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारनी है, पूरी पूरी जिंदगी। चाहे आपका दुख हो, सुख हो, जीना हो, मरना हो, हर एक चीज जो है ना इसी पर्सन के साथ आप गुजारना चाहते हो। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से इतना डीप लव प्यार करते हो, इतना डीपली लव है ना आपका, कि मतलब उनके बगैर आपकी जिंदगी है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे दिखता है कि आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, या कहें तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना कनेक्ट होना चाहते हो। सोशल मीडिया का इसमें काफी अहम रोल हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि यस, सोशल मीडिया का भी रोल है और दोनों के बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, काफी ट्रू है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, देखो सोल कनेक्शन आपको फील होता है, आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, वो आपका सोलमेट है, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे कि आप अपने पार्टनर को लेकर के काफी सीरियस हो, काफी ज्यादा सीरियस है ना, तो वो चीजें भी दिख रही है मुझे। डिवाइन का खास तौर से रोल आ रहा है यहाँ पे, डिवाइन 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 डिवाइन, ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने डिवाइन 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 यहाँ पे कुछ चैंट कर रहे हो आप लोग, चैंटिंग की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे, ऐसा लगता है जैसे कि ऐसी एनर्जी मुझे खास तौर से दिख रही है आपके लाइफ की, या फिर कहें तो आपकी, ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये आपको पता है, आपको अंदाजा है कि पर्सन जो दिखा रहे हैं वो है नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पर्सन काफी जो है ना सच को छुपा रहे हैं, सो ये पर्सन का जो सच छुपाना है आप काफी अच्छे तरीके से समझ रहे हो। मुझे यहाँ पे एप्पल खाते हुए एक इंसान दिख रहा है ना, तो ये भी दिख रहा है कि सेक्सुअल फीलिंग्स भी है आपकी, ऐसा दिख रहा है जैसे कि सेक्सुअल फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफी क्लियर है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चल रहा है, काफी आप भी दिमाग लगा रहे हो कि इस रिश्ते की सच्चाई मैं तो जान के रहूंगी, है ना, मैं इस रिश्ते की सच्चाई जान के रहूंगी, सच्चाई क्या है क्या नहीं है, क्यों छुपाया जा रहा मुझसे, है ना। आप पूरी तरीके से जानना चाहते हो, चाहे कॉन्टेक्ट में हो नो कॉन्टेक्ट में हो, बट आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ठीक। जो बातें आपसे छुपाई गई हैं उनको जानना है आपको, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको सोसाइटी का डर है, जो भी है, बट यहाँ पे आपको तो सच जानना है, यहाँ मुझे ये फील हो रहा है। इस पर्सन के दिल की बात जाननी है कि ये पर्सन चाहता क्या है, आपके साथ रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, आपको ये भी जानना है, ठीक है। चलिए, एमिली का कार्ड क्यों है यहाँ पे, टावर की एनर्जी है। अचानक से आपकी जिंदगी में ये पर्सन आया था, अचानक से आपकी जिंदगी में ये पर्सन आया था, एकदम अचानक से, है ना। और ये पर्सन जब से आया तब से आपकी जो लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, आपकी लाइफ संवरने लगी, आप बहुत पॉजिटिव होने लगे, पॉजिटिव फील करने लगे इस पर्सन को देख करके, ठीक। आपकी लाइफ में उस समय कुछ ऐसा हुआ जरूर था जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, और इस पर्सन ने आके आपको संभाला है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। यस, ये जो पर्सन है इनके साथ जो है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। आपको पता है कि चीजें बदलेंगी, है ना, जब कुछ भी होता है ना तो चीजें बदलती जरूर है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं तो वो काफी क्लियर होंगी, यहाँ पे आपको पता है। ये जो भी पर्सन बातें छुपा रहे हैं, चाहे वो कोई भी बातें हो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, या फिर लड़ाई झगड़े से रिलेटेड हो, फैमिली इश्यूज हो, जो भी हो आपको जाननी है, ठीक है। आपको ज्यादातर लगता है कि इनकी फैमिली का कोई इशू है जो कि ये पर्सन मुझसे छुपा रहे हैं, ठीक है। सो ये भी दिख रहा है, ओके ओके। पीकॉक की एनर्जी क्यों आई है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। काफी स्ट्रिक्ट हो आप, काफी स्ट्रिक्ट हो गए हो आप, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको दोस्ती यारी ठीक है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि अभी जो है ना एक क्लियर डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना अपनी फ्रेंडशिप निभाओगे, अपनी लॉयल्टी निभाओगे, यहाँ पे सब कुछ निभाओगे, लेकिन ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं वो जानने के बाद, क्योंकि आपका आपका
है कि आप क्लियर रहना चाहते हो लाइफ में, एकदम से क्लियर क्लियर क्लियर। आप ये नहीं चाहते हो कंफ्यूजन में आकर के मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। वो चीजें आपको नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। सो और देखते हैं कार्ड्स, गाइड करें एंजल्स। अब देखते हैं क्या फ्यूचर देखना है ना, थ्री कार्ड्स रीडिंग में अब हमें फ्यूचर देखना है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ इनका फ्यूचर क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ओह, थ्री कार्ड्स निकालने हैं हमें, याद रखिएगा थ्री कार्ड्स, मैं थ्री कार्ड्स निकालूंगी। ओके, मारिया हीलिंग, घोस्ट। रैबिट की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। सो बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स के फ्यूचर की। फ्यूचर मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर, फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है, सबसे पहले तो रैबिट की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, उसी की मैं बात करूंगी आपसे। तो रैबिट की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको वेट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में अभी बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा स्ट्रगल अभी लिखा हुआ है, बहुत मुश्किलें आने वाली हैं अभी इस रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे कि स्ट्रगल, देखो जीवन है ना, जीवन में संघर्ष आते रहते हैं जिनको हमें डील करना होता है, और आपको भी डील करना होगा। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, लाइफ में अभी तो आप बहुत कुछ देखने वाले हो, बहुत ज्यादा। ये रिलेशनशिप जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि अभी फिलहाल ये रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको मैं देखूं तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, निगेटिव सुन लो, आप जो चाहते हो फेरी टेल वाली रीडिंग वो मैं नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सच का सामना, सच दिखाना मेरा काम है आपको, वही मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ दिख रहा है कि काफी टॉक्सिक हो जाएगा रिलेशनशिप, काफी ज्यादा टॉक्सिक है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि टॉक्सिक होगा रिलेशनशिप, जो कि आपको बहुत दर्द देगा, बहुत तकलीफ देगा, बहुत ज्यादा सताएगा। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो, कुछ छुपा रहे हैं पर्सन, ये पर्सन ने मन ही मन बना लिया है कि आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है। सो ये रिलेशनशिप का फ्यूचर काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, काफी टॉक्सिक होगा। यहाँ पे आप झेल नहीं पाओगे, ऐसा रिलेशनशिप ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झूठ फरेब, ये वो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपको अपनी हीलिंग करनी होगी, आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना होगा। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से कभी भी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर पाओगे। ये एनर्जी काफी क्लियर दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को कभी भी इस रिश्ते से निकाल नहीं पाओगे, या नहीं निकालना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ता आपका बने, ये रिश्ता आपका यहाँ पे स्टेबल हो, लेकिन ये रिश्ता नहीं बन पाएगा। और ये जो है ना, आपको बहुत तकलीफ देने वाला है ये रिश्ता। जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो ना, इस रिश्ते में काफी गहरी खाई है जिसमें आप गिरने को तैयार हो, तो वो गिरो नहीं, अपने आप को संभालो, हील करो अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, जो भी करना है आपको करना है, कोई और हेल्प नहीं लेगा। दोस्तों की हेल्प ले सकते हो आप, दोस्तों की हेल्प ले सकते हो, किसी हीलर की हेल्प ले सकते हो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे बहुत गंदा दिख रहा है, एकदम बकवास दिख रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत सख्ती से मना करूंगी कि आप इस पर्सन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, समय की कीमत होती है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो इस पर्सन के ऊपर फोकस मत करो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये पर्सन फरेबी है, ठीक है। आगे जाकर के अपनी फैमिली को ही चूज करेगा, आपको चूज नहीं करेगा, ठीक। इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने पहले भी कहा कि इनकी मदर हो सकता है कि इनकी मदर ना हो, ठीक है, और इनकी मदर ने इनसे कुछ कहा हो, सो उस बात को ये फॉलो करेंगे, अपने रीति रिवाज कल्चर्स को फॉलो करेंगे ये पर्सन, और आपको ये पर्सन चूज नहीं करेंगे, ठीक। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकल जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको स्पिरिचुअल फीलिंग्स आ रही है इस पर्सन को देखकर के, आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन हर सोलमेट की शादी हो, हर सोलमेट एक दूसरे से मिले, कोई जरूरी तो नहीं है ना, है ना। तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आगे आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है।
सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनल टारो का रीडिंग लेना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप जो है लेना चाहते हैं क्या रीडिंग है ना, रीडिंग के साथ टैरो कार्ड जो है आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे डिटेल्स में आपको बताया जाएगा, आगे डिटेल्स हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। मिलता है फिर आपसे किसी नए रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।